दुनिया में कई सारे प्लेयर्स के बीच कॉन्ट्रोवर्सीज देखने को मिलती है। इन्हीं में से एक है क्रिकेट के दो दिग्गज विराट कोहली और गौतम गंभीर की कॉन्ट्रोवर्सी। इतिहास गवाह है कि जब भी ये दोनों प्लेयर सामने सामने आए हैं तो मैदान में गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिला है। हाल ही में ये कॉन्ट्रोवर्सी एक बार फिर से चर्चा में आ गई। बताते हैं आपको पूरा मामला। दरअसल लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में सोमवार को LSG और RCB के बीच खेले गए मैच में कोहली शुरुआत से ही एग्रेसिव रवैया अपनाए हुए थे। कोहली के इस एग्रेशन का रीजन था कि जब पिछली बार दोनों टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भिड़ी थी तब LSG ने RCB को आखिरी गेंद में हरा दिया था। तब गंभीर ने एग्रेशन दिखाते हुए अपने मुंह पर उंगली लगाकर सबको चुप रहने को कहा था। अब बारी थी विराट कोहली की। मानो विराट इस मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि सोमवार को लखनऊ में खेले गए मैच में RCB ने LSG को बुरी तरीके से हरा दिया। मैच के दौरान ही विराट और नवीन उल हक के बीच कहासुनी हुई, लेकिन हद तो तब हो गई जब मैच खत्म होने के बाद विराट और गंभीर आपस में भिड़ गए। उनके बीच लड़ाई इतनी बढ़ी कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। फिर दोनों को वहां मौजूद केदार यादव, KL राहुल, फाफ डुप्लेसिस और मैच के अंपायरों ने अलग किया। इस घटना के बाद IPL ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की जिसमें विराट गंभीर दोनों ही IPL के कोड ऑफ कंडक्ट 2.21 के लेवल 2 के दोषी पाए गए हैं, जबकि नवीन उल हक लेवल 1 के दोषी पाए गए हैं। विराट और गंभीर दोनों की 100% फीस काट ली गई है। विराट की 1.07 करोड़ और गौतम गंभीर की 25 लाख और साथ ही नवीन उल हक की 50% यानी 1.79 लाख रुपए की मैच फीस काट ली गई है।